तो स्वागत है आपका इस चैनल पे। हम लोग यहाँ एनसीईआरटी पढ़ना सीख रहे हैं, मतलब सेल्फ स्टडी करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी कोई नया चैप्टर उठा के खुद से पढ़ना, कैसे पढ़ा जाता है, वहाँ से कैसे कॉन्सेप्ट निकाला जाता है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद आगे है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो शुरू करते हैं, एक बार आप खुद से पढ़ के आइए कितना समझे, एक इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा। एक बार खुद से पढ़ के आइए और आगे क्वेश्चन होगा उसको बनाइए, जहाँ डाउट हो इस वीडियो को देखिए, ठीक है। शुरू करते हैं। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। वी विल लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स एंड सी इफ वी कैन यूज द एक्सपेंशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। अब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन से अंतर पता करेंगे। वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे भी देख लेंगे। सिंस रेशनल आर मोर फैमिलियर टू अस, लेट अस स्टार्ट विद रेशनल। तो ये रेशनल से स्टार्ट हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए 10/3, 7/8 और 1/7 ले लिए। 10/3, 7/8 और 1/7। तो 10/3 कितना आया है, 3.33, ये रिपीट होगा 3। 7/8 0.875 और ये है 0.142857, ठीक है। डॉट 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 मतलब ये रिपीट कर रहा है। तो व्हाट हैव यू नोटिस्ड, यू शुड हैव नोटिस्ड एटलीस्ट 3 थिंग्स। तीन बातें यहाँ से निकल के आ रही है। द रिमाइंडर आइदर बिकम्स 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। यहाँ देखिए, यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया ना, ठीक है ना। पॉइंट में भी रिमाइंडर चलता है, तो रिमाइंडर 0 जा रहा है। और स्टार्ट रिपीटिंग देम सेल्फ, या तो रिपीट करने लग रहा है या जीरो हो जा रहा है। यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे रिपीट होने लगा, ठीक है ना। द नंबर्स ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिविजल। द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द इंटीजर। जैसे 10/3 में 3 है डिविजल हमारा, और जब 3 को 1 से डिवाइड किए, मतलब 3 में 1 से किए, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया, थ्री में 10 से भाग किए तो 3 3 9, तो रिमाइंडर क्या आया, 1। तो रिमाइंडर 1 आया, फिर रिमाइंडर कितना आया, फिर 1 आया, फिर रिमाइंडर 1 आया, फिर रिमाइंडर 1 आया, मतलब रिमाइंडर रिपीट कितना, रिमाइंडर पहले के बार में रिपीट करने लग रहा है। तो जो रिमाइंडर, रिपीटेशन ऑफ रिमाइंडर जो होगा वह डिविजर से छोटा होगा। यहाँ पे बोल रहा है द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग इज लेस देन द डिविजर। जैसे 10/3 में होगा, इसमें भी रिपीट कर रहा है। जैसे देखिए, पहला बार में रिमाइंडर कितना आया, 7 में 1 से भाग दिए तो रिमाइंडर 3 आया, मतलब अगर पॉइंट बैठा के किए तो रिमाइंडर कितना आया, 3। फिर रिमाइंडर कितना आया, 2। फिर रिमाइंडर कितना आया, 6। फिर रिमाइंडर कितना आया, 4। फिर रिमाइंडर कितना आया, 5। फिर रिमाइंडर 1, और फिर 1 से रिपीट हो रहा है रिमाइंडर। यानी कई बार रिमाइंडर, रिमाइंडर रिपीट होने से कब पहले कितना बार आया, एक बार आया था 3, 1 2 3 4 5 6 बार में, 6 बार के बाद शुरू हो जाएगा रिपीटेशन ऑफ रिमाइंडर। तो 1/7 देयर इज 6 एंट्रीज, 3 2 6 4 5 1 इज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर एंड 7 इज डिविजर। और डिविजर कितना है, 7, तो कम है ना। डिविजर से जो रिमाइंडर का रिपीटेशन होता है वह डिविजर से कम होता है, और जितना बार रिमाइंडर रिपीट करेगा उतना ही बार ना ऊपर वाला कोसेंट रिपीट करेगा। तो वही बात, तीसरा पॉइंट वही है। इफ दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तीसरा, इफ द रिमाइंडर रिपीट, अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द कोसेंट। अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो कोसेंट भी रिपीट होगा। जैसे 10/3 में कौन रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 3, कोसेंट रिपीट हो रहा है ना। एंड 1/7 में क्या रिपीट हो रहा है, 1 4 2 5 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट होगा। एक बार आपको हम समझा देते हैं। देखिए, 7 में 1 से भाग दिए, रिमाइंडर बैठा के 7 1 7, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया, इसको बोला जा रहा है एक रिमाइंडर। फिर 0 बैठा, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आया, 2, इसको रिमाइंडर बोला जा रहा है। एक रिमाइंडर यहाँ आया कितना, 3। एक रिमाइंडर यहाँ आया, 2। फिर 0 बैठा, 7 2 9 14 होगा, तो रिमाइंडर कितना आया, तीसरा रिमाइंडर 6 0 7 8 56 4, यह रिमाइंडर आया। फिर 0 7 5
35, 5, फिर एक एग्रीमेंट रहा है, फिर 0, फिर 7, 7, 49, फिर एक एग्रीमेंट रहा है, एक एग्रीमेंट रहा है ना, फिर 0 बैठाएंगे, और इसके बाद 7 इकाई 7 करेंगे, तो रिमाइंडर रिपीट करने लगा ना, 3, 3 से शुरू किए थे, फिर 3 पे पहुंच गए, देखिए, 3 से शुरू किए थे ना यहाँ, फिर 3 पे पहुंच गए, तो रिमाइंडर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगा, तो 6 के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा, तो जो के बाद हुआ 6 के बाद, तो ये जो 6 जो रिमाइंडर रिपीटिशन ऑफ रिमाइंडर होगा ना, वो डिवीजर से हमेशा छोटा होगा, ये बोल रहा है दूसरा पॉइंट में, ये बोला जा रहा है दूसरा पॉइंट में, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि रिमाइंडर में रिपीटिशन आएगा तो उसके बाद तो कोशेंट में भी तो रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर में देखिए 1 से शुरू हुआ 14 कोशेंट 14285 चला, जब ये 6 बार चला था, उसके बाद जब रिमाइंडर 3 आया तो फिर से कोशेंट भी तो 1 आ गया, मतलब कोशेंट भी रिपीटिशन शुरू हो गया, है कि नहीं, यही बात बोल रहा है तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो तीसरा में यही बोला जा रहा है कि वी गेट इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द कोशेंट, कोशेंट भी रिपीटिशन होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, although we have noticed this pattern using only the example above, it is true for all rationals, ये सारे rational के लिए सही है जो कि PYQ के रूप में होता है, ठीक है ना, rational के बारे में तो हम जानते ही हैं। On division of P by Q, Q, two main things happen, either the remainder becomes zero or never becomes zero, या तो जीरो हो जाएगा या कभी जीरो नहीं होगा। We get a repeating string of remainders, let us लुक एट ईच केस सेपरेटली, अलग अलग देखते हैं। पहला केस है कि द रिमाइंडर बिकम जीरो, रिमाइंडर जीरो हो जाए, तो यहाँ पे देखिए ये सब जो है ना, इसका रिमाइंडर जीरो हो जाता है, करके आप भाग देख लीजिए, रिमाइंडर तुरंत जीरो हो जाता है, पॉइंट के बाद कुछ इन ऑल दीज केसेज द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और इन आफ्टर अ फाइनाइट नंबर, कुछ ही नंबर के बाद इन हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। और फिर स्टेप वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन सच नंबर्स टर्मिनेटिंग, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, अभी तो डेसिमल नहीं बोला है लेकिन उसको क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, ये वर्ड याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग। अब है दूसरा केस, द रिमाइंडर नेवर, जब रिमाइंडर जीरो ही नहीं हो, तो जैसे 10/3 में हो रहा था, 1/7 में हो रहा था, तो उसको बोलते हैं वी से दैट दिस एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल 10/3 था, 1/7 में देखिए 142857, फिर 142857, फिर 142857, रिपीट हो रहा है ना। द यूजुअल वे टू शोइंग दैट थ्री रिपीट्स इन द कोशेंट 10/3 इज टू राइट थ्री पे बार लगा देंगे, ऊपर एक हाइफन खींच देंगे, बार लग जाएगा, यहाँ 0.142857 पे बार लगा देंगे। वेयर द बार अबव द डिजिट्स इंडिकेट्स द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आर दैट रिपीट्स, वो बार बताएगा कि ये फिर से रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, जैसे 5 7 2 5 5 7 2 7 2 7 2, देखिए यहाँ पे जा रहा है तो 5 पे नहीं, सिर्फ 7 2 पे लगाएंगे। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स गिव्स अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट करेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या इसको रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऊपर वाला क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नीचे वाला क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ नहीं बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। Thus, we see that decimal expansion of a rational number have only two choices, either the terminating, और rational number के पास दो choice होता है, या तो वो terminating हो जाए या non-terminating recurring हो, या तो non-terminating क्या हो, recurring हो। Now, suppose on the other hand, on your walk of number line, you come across a number like 3.1214278, whose decimal expansion is terminating, a number like 1.272727, that is 1.27 decimal सर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, हम लोग ये दोनों पढ़ चुके हैं, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। कैन यू कंक्लूड दैट इट इज अ रेशनल नंबर, द आंसर इज यस, ये रेशनल नंबर है। तो कैसे है, रेशनल नंबर का डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग रेशनल नंबर का डिफिनेशन पढ़े थे कि जो पी बाई क्यू के रूप में हो, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर हो, तो उस डिफिनेशन को क्या ये फॉलो कर रहा है, देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6, सो दैट 3.142678 क्या है, 3.142678, ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो रेशनल नंबर
है कि नहीं, इसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बचपन से जानते हैं कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 3360। जब ऐसे लिख दिए तो देखिए ऊपर वाला इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर है, तो अगर p बाई क्यू के रूप में हो, ऊपर नीचे इंटीजर हो, तो क्या बोलते हैं उसको, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है, सिंपल, ठीक है। ये तो आसानी से हो गया, ये टर्मिनेटिंग तो आसानी से हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का जब बात आता है, वहाँ पे दिक्कत होता है। जैसे कि 3.3 पे भी हम लोग देख लेंगे, 3333 ये जो रिपीटिंग हो रहा है, इसको ये क्या रेशनल नंबर है। तो कोई बच्चा कहेगा कि इसको भी वैसे ही लिख दीजिए 333 या नीचे 3 को 0। अरे ये 3 पे रिपीट, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बहुत दूर तक जा रहा है, तो ये 0 0 बैठते जाएगा। इसको ऐसे नहीं ना कर देंगे कि ऊपर वाला इंटीजर ना होगा, नीचे वाला इंटीजर नहीं, आपको एग्जैक्ट दिखाना होगा। ऐसे नहीं कि ऊपर भी डॉट डॉट कर दिए, नीचे भी डॉट डॉट कर दिए और बोल दिए कि देखिए ऊपर नीचे इंटीजर है। तो इसका तरीका क्या होता है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग अभी देखे हैं। तो इसको x मान लेते हैं, तरीका आइए, ठीक है। तो इसको x मान लिए, और जितना नंबर रिपीट कर रहा है ना, उतना, जैसे एक नंबर रिपीट कर रहा है ना, ठीक है, 10 से गुना करेंगे, ठीक है। पहले तो होता है, चलिए पहले NCERT जितना उतना बताते हैं, तो इसको बाहर कीजिए 10 से गुना करके, तो मल्टीप्लाई बहुत सारे बाई 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, दोनों से मल्टीप्लाई किए तो 10x हो गया, और क्या हो गया 3.33 डॉट डॉट डॉट, एक और 3 दे देते, कितना भी 3 है ना, 3 का समुंदर है ही, तो कितना भी 3 हम लिख सकते हैं, हम तो 5 और 3 लिख दें और डॉट डॉट लगा दें, इन्फाइनाइट 3 है इधर भी, इन्फाइनाइट 3 है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, और 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो 10x में से x जाएगा तो 9x, और 3.33 अब जाके यहाँ पे बगल में घटा लीजिए, 3.333 डॉट डॉट में से 0.333 डॉट डॉट घटेंगे, इतना पूरा 33 डॉट डॉट घट के तो 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा ना, इधर ये दोनों पूरा घट के पॉइंट, और 3 में से 0 गया तो 3, ये क्या आया 3.0 मतलब 3, समझ में आया ना सब्सट्रैक्शन। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 3/9, 1/3, ठीक है। यानी कि x क्या था हमारा, x किसको मानते थे, 0.3 पर बार रखो ना, इसको हम कितना लिख सकते हैं 1/3, तो जो कि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया ना, है ना। चलिए ये हो गया, ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। एक और एग्जांपल है, 1.27 ये इसको बताना है कि क्या ये रेशनल नंबर है। तो इसको पी बाई क्यू, या तो ऐसे पूछेगा कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, या ऐसे पूछेगा कि क्या इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम बताएं, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट कर रहा है ना, 2727, तो पहले तो इसको x मानिए, उसके बाद 2 नंबर रिपीट कर रहा है ना, 2 को 0 से गुना कीजिए, मल्टीप्लाई बहुत सही बाई 100, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो कितना हो जाएगा 100x, यह हो जाएगा 127.27, और 27 एक और दे दिए, कहे कि इधर तो 27 इनफाइनाइट है ना, इधर भी 27 लगातार इनफाइनाइट, तो इसको 1 और इसको 2, 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करिए, 2 में से 1 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 99x इधर, और इधर 127 में से 27 तो पूरा घट गया इधर वाला पॉइंट वाला, अब 127 में से 1 घटा तो 126, तो x का वैल्यू हो जाएगा 126/99, 6 1 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा, ये 9 9 9 4 36 कितना आया 14/11, जो कि हमारा पी वाई क्यू के रूप में हो गया, यहीं पे दिख रहा था पी वाई क्यू के रूप में हो गया इंटीजर इंटीजर, तो ये रेशनल नंबर है। सो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब है 0.235 पे बार, एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नाइन क्या है, 0.235 पे बार मतलब 3535 रिपीट होगा,
बार बार, टू नहीं हो रहा रिपीट, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसको कैसे करते हैं, वही कहानी, x मान लेंगे 0.23535, कितना भी 35 हम लिख सकते हैं ना, इन्हें कि हम दो बार लिखे कि तीन बार लिखे, ठीक है ना, लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए, आपको मानना है तो। अब यहाँ पे हमको रिपीट वाला को बाहर निकालना होता है ना, तो पहले रिपीट वाला से पहले तो एक ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं करे, तो पहले उसको बाहर निकालेंगे, इस टू को बाहर निकालेंगे पहले। तो टू को बाहर निकालने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई टेन, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई टेन। तो चलिए ये 10x हो गया, 2 बाहर आ गया, और ये 35 डॉट डॉट डॉट, इसको 2 मान लिए। आसान है ना, पहले जो रिपीट नहीं करता उसको बाहर निकालिए, इधर लाइए, तो इधर ला दिए 10 से गुना करके। अब क्या वो नंबर रिपीट कर रहा है, दो दो नंबर ना, तो 100 से अब मल्टीप्लाई कीजिए, समझ रहे हैं ना। पहले हम लोग शुरुआत नहीं कर देते थे क्योंकि ऐसा लफड़ा नहीं था कोई बीच में 2 का जो रिपीट नहीं कर रहा था, इसमें है तो पहले उसको बाहर किए, और उसके बाद देखे कि दो दो नंबर रिपीट कर रहा है तो 100 से गुना करेंगे। अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना इधर, इसमें इन टू दूसरा वाला में हम लोग 100 से गुना कर रहे हैं, 1000x। अब ये क्या बन गया, 235 ना, 35 बाहर निकलेगा, इधर आएगा। असल में हो क्या रहा है, पॉइंट इधर चल जा रहा है, गुना करने से पॉइंट उधर भागता है ना, नंबर बड़ा होता है, तो ये नंबर बड़ा कब होगा, पॉइंट इधर आएगा कि उधर जाएगा, तब उधर जाएगा ना, तो 20 से गुना कर दिए तो पॉइंट यहाँ चल जाएगा असल में, ठीक है ना, इसी को बोल रहे हैं कि इधर आ गया 35, कितना भी 35 लिख सकते हैं, ऊपर 3 को है पॉइंट के बाद तो नीचे भी 3 को लिख दिए, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट वाइज तो 3/3 इनफाइनाइट है। इसको इक्वेशन थर्ड माने, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, वन से ज़्यादा मतलब है नहीं हमको, 3 में से 2 आप सब्सट्रैक्ट कीजिए, अब 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट कीजिए। ये करते इसलिए ना ताकि ये सब्सट्रैक्ट हो जाए। अभी देखिए अगर कोई कहता कि आपको यहाँ का दिक्कत था, 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कीजिए ना यहीं पे, तो यहाँ पे कैसे सब्सट्रैक्ट करें, जैसे देखिए मान लीजिए कोई कहता कि 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो 2 लिख देंगे, ऊपर रहता 2.35, ये 2 है 35 डॉट डॉट, और नीचे क्या अवन में क्या है 0.23535, मतलब समझ रहे हैं 35, यहाँ 5 के नीचे 3 आ जा रहा है, तो अब 3 में से 5 घटाएं तो इससे 1 लें, लेकिन उससे पहले ये 1 ले लिया होगा इससे, या लिया होगा या नहीं लिया होगा, मतलब समझ रहे हैं ना, ये सब्ट्रैक्शन अंत पकड़ में चल, अंत होगा तब ना हम लोग अंत इधर से घटाना शुरू करते हैं ना बाएं तरफ से, तो बाएं तो मिलेगा ही नहीं हमको अंतिम तक, लेकिन अगर यही ऐसा हो जाए जैसे 3 में से 2 घटाएंगे तो ऊपर हो गया 235.353535 डॉट डॉट डॉट, और नीचे 2 में हो गया इक्वेशन 2 में 2.3535, इसमें भी हमको बाया नहीं मिलेगा, लेकिन इतना बाया नहीं मिलेगा, लेकिन इतना पता है कि 3 के नीचे 3 आएगा, 5 के नीचे 5 आएगा, इससे क्या होगा कि घटते जाएगा 0-0 होते जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, पूरा 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो ये पूरा इधर 0 हो गया पॉइंट, इधर 233.0, समझ रहे हैं ना। तो 3 में से 2 घटा है तो 1000 में से 10 गया, 1000 में से 10 गया तो कितना हुआ 990x, और इधर 233, तो x का वैल्यू कितना आया, तो x का वैल्यू कितना आया 233/990, ठीक है, आसान है, समझ में आया ना, तो ये भी पीवाई के ग्रुप में लिख दिए। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो फॉलोइंग अब है, यू कैन, ठीक है, सो एवरी नंबर विथ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू। बट इट बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को, डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट होगा, उसको एक्सप्रेस्ड एट पी बाई क्यू के रूप में बदला जा सकता है। लेट अस समराइज आवर रिजल्ट, तो उस रिजल्ट को आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए।
फॉलोइंग, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। मतलब अगर कोई भी रेशनल नंबर है, अगर कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे कोई भी है 1/33 है, ये एक रेशनल नंबर है, देखते ही पता चल गया ना ऊपर और नीचे, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो क्या होगा, क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग होगा रुक जाएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिकरिंग होगा, मतलब चलते जाएगा तो रिपीट पक्का होगा, अगर क्योंकि ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को देखते ही हम बोलेंगे, कोई पूछेगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो हम बोलेंगे दो को में से कोई एक होगा, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा रुक जाएगा, या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक तीसरा भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये है होगा न तो ये होगा तो यही दो तो होता है, ऐसा नहीं है, तीसरा भी एक होता है, वो नहीं होगा, ये यही दो होगा, तीसरा भी आया नहीं है, तीसरा एक और है, या तो ये होगा या तो ये होगा, अगर ये रेशनल नंबर है तो या तो ये होगा या तो ये होगा, यही बात कह रहा है, ठीक है, कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल, या ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिस जो कि टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो वो पक्का रेशनल होगा, और कहीं पे लिखा हुआ है 0.23 23 23 23, और कोई पूछेगा क्या ये रेशनल है, तो बोलेंगे हाँ है, वो बोलेगा कैसे, तो बोलेंगे कि इसको पी वाई क्यू के रूप में बदला जा सकता है, हम सीखे हैं एनसीईआरटी में, एक लाइन है कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, रिपीट हो रहा हो, वो रेशनल होगा, यही बात यहाँ बोल रहा है कि अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल, मतलब या तो ये हो या कहीं पे लिखा हो 0.23, सिर्फ 0.23 लिखा तो हम बोल देंगे कि रेशनल है, क्योंकि इसको पी वाई क्यू के बदला जा सकता है, ठीक है। अब सो नाउ we know that the decimal expansion of a rational number can be, now we know the decimal expansion of rational number can be, what about the decimal expansion of irrational number, ab irrational number ke decimal expansion ke bare mein pucha ja raha hai, because of the property above we can conclude that their decimal expansion are non terminating non recurring, we can conclude that by the decimal expansion, because the property of above we can conclude that their decimal expansion is non-terminating non-recurring, अब उसका जो decimal expansion होगा वो non-terminating non-repeating होगा, मतलब एक तो रुकेगा नहीं और दूसरा repeat भी नहीं करेगा वो, ठीक है ना। So the property of irrational number similar to the property stated above the rational number, तो नीचे क्या लिखा जा रहा है, ये property बड़ा important property है ये, कि the decimal expansion of irrational number is non-terminating non-recurring, अगर कोई irrational number होगा जैसे कि हम मान लेते हैं √2, एक हम लोग पढ़ दे पीछे पढ़े थे कि इरेशनल है, तो इसका कोई पूछेगा कि इसका डिसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो हम सीधे बोलेंगे कि इसका डिसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग, सबसे पहले तो वो रुकेगा नहीं, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करेगा, समझ में आया ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मोरओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज रेशनल, या उसका उल्टा भी सही है कि अगर कहीं पे ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है जो रिपीट ही नहीं कर रहा है, जैसे लिखा हुआ है 1 2 5 9 4 3 6 8 7 5 6 2 8 7 9, मतलब कुछ से कुछ चलते जा रहा है, रिपीट ही नहीं कर रहा है ये कहीं भी, तो इसका मतलब है कि ये एक इरेशनल नंबर है, ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। या ऐसा लिखा हो 0.10 110 1110 1110, ऐसा कोई नंबर है जो रिपीट कर रहा है, 10 ऐसा नहीं कि रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 बार 1 1 बार 0, हम क्या बार बैठा सकते हैं कि 1 और 0 पे बार है, ऐसा थोड़े ऐसा रहता तब लिखा जाता, ये ऐसा थोड़े 1 बार 1 हो रहा है, 1 बार 0, फिर 1 बार 1 हो रहा है, फिर 1 बार 1 हो रहा है, फिर 1 बार 4 1 हो रहा है, फिर 0, तो ये इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल। इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, या इसका उल्टा अगर कहीं पर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखा हुआ है उसको हम लोग इरेशनल बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो recall s is equal to 10110 from the
previous section, notice that it is non-terminating and non-recurring. Notice that it is non-terminating, non-repeating. Therefore, from the property above, it is irrational. Irrational ho gaya. Moreover, notice that you can generate infinitely many irrational similar to S. Hum log bahut sara irrational similar to S. Therefore, from the property above, it is irrational. ठीक है. Moreover, notice that you can generate infinitely many irrational number to S. मतलब बहुत सारे irrational number निकाल सकते हैं. What about the famous irrational root 2 and pi? तो root 2 का हम लोग decimal expansion करके देखें. Here is the decimal expansion of root 2 का और pi का. Pi का तो कोई खोजा है किसी तरीके से. Practically, root 2 का हम लोग करके देख सकते हैं. ये जो root 2 है, इसका decimal expansion हम लोग खुद से करके देख सकते हैं. कैसे? 8th class में आप पढ़ चुके हैं. 1 1 जा 1 1 जा 1, 2 1, फिर यहाँ पॉइंट आएगा तो यहाँ डबल जीरो बैठेगा, तो यहाँ 4, 24 4 जा करेंगे तो 96, फिर यहाँ 8 आया, यहाँ 2 आएगा, ये 4 आएगा, तो डबल जीरो बैठा है तो 2 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 41 से 281, तो यहाँ 282, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, फिर डबल जीरो, फिर यहाँ पे कुछ होगा 1, मतलब ये चलता जाएगा इसी तरह से, भाग देते जाएंगे चलता जाएगा. ठीक है ना, कभी ये कभी रिपीट भी नहीं करेगा, ये ना कभी रुकेगा और ना कभी रिपीट करेगा. क्यों? क्योंकि ये इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है. इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है जो कभी ना रिपीट होता है ना रुकता है. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. पाई 3.14159 पाई का है, पाई का आया है. पाई के बारे में हम पिछले क्लास में बताए थे. नोट दैट वी ऑफन टेक 22/7 एज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई. ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7. ये नहीं कहेंगे कि पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, पाई इरेशनल होता है और 22/7 इरेशनल. इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल कैसे हो गया? अरे पाई इरेशनल है, सही बात है, लेकिन पाई का ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट. ऐसा ले लिया गया लगभग 22/7, इसलिए ये रेशनल है. ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का, ये क्या है? लगभग वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू. इसलिए पाई रेशनल है और 22/7 रेशनल है. पाई इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया गया है कि पाई नॉट इक्वल टू 27, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7. ओवर द ईयर्स मैथमेटिशियंस हैव डेवलप वेरियस टेक्निक्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर. For example, you might have learned to find digits in the decimal expansion root 2 by the division method. अब कितना division method से निकालिएगा, कितना करते जाइएगा आगे तक. Interestingly, in Sulba Sutras, rules of code, कोई होंगे mathematician, a mathematical treatise of Vedic period, 800 साल before Christ के, you find the approximate value of root 2 as follows. ऐसे निकालते थे वो. निकाले थे कब तक, कहाँ तक निकाले थे? 6-7 अंक तक. नोटिस दैट इट इज सेम एज वन डिजिट अबव फॉर द फर्स्ट 5 डेसिमल प्लेसेस. द हिस्ट्री ऑफ हंट फॉर डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पाई इज वेरी इंटरेस्टिंग. अलग अलग तरीक़े से अलग अलग लोग निकालता रहा इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन. जैसे ई थे, आर्किमिडीज थे, तो पाई का निकाले थे 3.14 यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, ये बोल दिए थे. पाई को बोलते थे कि यहाँ से बीच में होगा. द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर फाउंड इन द वैल्यू ऑफ पाई 4 डेसिमल प्लेसेस तक. कोई इंडियन के मैथमेटिशियन 3.1416 बोले थे. आई यूजिंग हाई स्पीड कंप्यूटर एडवांस एल्गोरिथम पाई हैज बीन कट ओवर 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक निकाल दिया गया है. वाह, 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक पाई का वैल्यू पॉइंट के बाद निकाला गया है एडवांस कंप्यूटर के जरिए. चलिए कुछ एग्जांपल है. फाइंड इज इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7. 1/7 एंड 2/7 के बीच में, 1/7 एंड 2/7 के बीच में रेशनल नंबर बोलते तक पीछे सीख चुके हैं हम लोग, लेकिन बोल रहा है इरेशनल नंबर. तो 1/7 का पहले पॉइंट में कर लेंगे, 1.42857 होता है. ठीक है, और ये होता है 0.285714. ठीक है, और ये ऊपर ऐसे हाइफन दे दिए, मतलब ये रेशनल है, इरेशनल है. ऐसे भी यहाँ से देख के भी पता चल रहा है कि रेशनल है, इरेशनल है. इन दोनों के बीच का हमको इरेशनल चाहिए. देखिए कैसे आसान है निकालना. 1.4 है, ये 2.8 है, देख ले लीजिए 1.5,
इसको नॉन रिपीटिंग बना, मतलब 1/5 लिए तो इससे बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया, कन्फर्म अब ये पता चल गया। अब इसको आप अपने तरीके से कुछ भी कर दीजिए, इसमें ऐसा कीजिए कि ताकि लास्ट में तो डॉट लगा ही देंगे, और ऐसा लिखेंगे कि रिपीट भी नहीं करता हो, तो कुछ ऐसा लिख देंगे 1/5 1/1/5 1/1/5 1/1/1/5 यही रिपीट यही चलता चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। कोई और तरीका था जैसे 1/5 लेके ही करें, 1/5 लेके फिर 1/6 लेके, 1/7 लेके, 1/8 लेके, 2/1 लेके, 2/2 लेके, 0.22 भी करेंगे तो ये इससे बड़ा इससे छोटा हो जाएगा ना। उसके बाद अपना तरीका कलाकृति कर सकते हैं इसमें। 1/5 ले लिए, अब उसके बाद 1/5 के बाद कुछ भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं 3 4 8 9 6 2 7 8 2 3 9 1 6 5 4 कुछ कुछ लिख के डॉट कर दिए, मतलब कि ये अलग अलग नंबर आ रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न भी नहीं, इतने तो थोड़ा पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। ये नहीं बोल रहे हैं कि रिपीट हो रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें तो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो इरेशनल दो को कै वो निकाल सकते हैं, 1/6 करके कुछ और कलाकृति आप कर दीजिए, ठीक है ना, जितना चाहिए आप उतना निकाल सकते हैं इरेशनल नंबर ऐसे करके, ठीक है। आगे है, हाँ तो हो गया। अब एक्सरसाइज 1.3 है, आप इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, कल अगले क्लास में आगे चर्चा होगा। धन्यवाद।